व्यवसाय का बीमा कराएं और चिंता मुक्त हो जाएं। क्यों करना चाहिए आपको अपना व्यवसाय का इंश्योरेंस? आज के समय में अपना बीमा कराना या फिर बीमा पॉलिसी लेना हर किसी के लिए समझदारी भरा निर्णय है। और जब बात किसी व्यापार करने वाले इंसान और इसमें भी कोई छोटे व्यापार की हो तो ये और भी ज्यादा जरूरी होता है। अब बिजनेस बड़ा हो या फिर छोटा, हर किसी को जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप तरह तरह की रणनीति बनाते हैं और उसको जमीनी तौर पर अप्लाई करते हैं, तो इस तरह के काम में हर समय जोखिम तो होता ही है। और सभी बिजनेसमैन को इस दौरान जो एक चीज नहीं भूलना चाहिए वो ये कि उसका और उनकी कंपनी का जीवन बीमा करवाना, जिससे आपके परिवार या आपके जीवन को आगे आर्थिक मदद मिल सके। इसलिए आपको जानना काफी जरूरी है कि बीमा आपके लिए क्यों जरूरी है और फायदेमंद। आज आपसे आपके बिजनेस के लिए बीमा क्यों जरूरी है उस बारे में बात करने के साथ ही कुछ और जरूरी जानकारी देंगे, जिसकी मदद से आप अपना और अपनी कंपनी का बीमा कर सके। लाइफ इंश्योरेंस करवाने के फायदे। इंश्योरेंस करवाने के काफी फायदे हैं। आप चाहें तो अपना, अपने परिवार का या अगर आपको कोई व्यापार है तो आप उसकी बीमा करा लें। अपने व्यवसाय का बीमा कराना आज के समय में काफी जरूरी है और कई छोटे और बड़े व्यापारियों ने अपने बिजनेस का बीमा कराया है। इसका ये फायदा है कि अगर भगवान ना करे आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो बिजनेस लोन के पैसे बीमा कंपनी दे देती है। इससे आपके परिवार पर भविष्य में कम पैसों का कोई बोझ नहीं पड़ता। इंश्योरेंस करने के कई फायदे हैं, जैसे इससे आपके परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिलती है, आपके द्वारा आपके बिजनेस के लिए गया लोन चुकाने में आपको आसानी हो जाती है, आप अपने बीमा के आधार पर बिजनेस लोन ले सकते हैं, बिजनेस या फिर आप पर अचानक आई किसी मुसीबत को आसानी से संभाला जा सकता है, आपके द्वारा कराया गया बीमा दिखाकर आपको टैक्स में छूट भी मिल जाती है, भविष्य में आपके या बिजनेस के ना रहने से आपके परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिल जाती है। इसके साथ ही इंश्योरेंस कराने से आपके बच्चों की पढ़ाई और दूसरी चीजों को पूरा करने में मदद मिल जाती है। इंश्योरेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके द्वारा की गई छोटी बचत से कुछ टाइम बाद बड़ी रकम में लिया जा सकता है। इन पैसों का उपयोग आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके उधार चुकाने और भविष्य के लिए सहायक इंश्योरेंस। कई छोटे बिजनेस करने वाले लोगों को अक्सर बिजनेस लोन की जरूरत पड़ जाती है। बिजनेस लोन अगर टाइम पर वापस ना दिया गया तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बीमा में आपको ज्यादा पैसे जमा नहीं करने पड़ते, बल्कि इसमें आपके थोड़े थोड़े पैसे जमा किए जाते हैं जो भविष्य में बड़ी रकम बन जाते हैं। इन पैसों से आप चाहें तो अपना उधार लिया हुआ पैसा चुका सकते हैं या फिर अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए बचा सकते हैं। आप बच्चों की पढ़ाई, शादी या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस पर आप कर सकते हैं लोन की मांग। आज के समय में बीमा कंपनियों ने छोटे बड़े बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कई तरह की बीमा पॉलिसीज डिजाइन की हैं, जिसके आधार पर आप अपनी कंपनी की बीमा करा सकते हैं। इसके बीमा में अगर किसी समय व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो बाद में व्यापारी के द्वारा बनाए गए नॉमिनी को बीमा का पैसा मिल जाता है। इससे आप चाहें तो लोन की मांग कर सकते हैं या फिर इसे भविष्य के लिए भी बचा सकते हैं। छोटी और अचानक आई मुसीबत के लिए जरूरी है इंश्योरेंस करना। इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर आप अपने और अपने परिवार पर भविष्य में आने वाली छोटी छोटी मुसीबतों और जरूरतों से निपट सकते हैं। अगर आपको किसी का उधार देना है या बिजनेस का विस्तार करना हो या अचानक अपने व्यापार में किसी तरह का कोई नुकसान या दुर्घटना हो जाए तो आपके साथ ही कोई मुसीबत आ जाती है तो आप इंश्योरेंस के पैसे से इससे निपट सकते हैं। आपके टैक्स को बचाने में सहायक। सही सुना आपने, बीमा पॉलिसी के जरिए टैक्स भी बचाया जा सकता है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि इंश्योरेंस के आधार पर हर कोई बीमा पॉलिसी में 1.5 लाख तक टैक्स में लाभ हासिल कर सकता है। इस बारे में अधिक जानने के लिए आपको टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क करना पड़ेगा, यहाँ आप इस बारे में उनसे अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।